सुपरमार्केट से। तो हमने सुपरमार्केट में सबसे पहले घर का सामान लेना है क्योंकि सारा कुछ खत्म है। तो हम आ गए सुपरमार्केट। Thank you.
बहुत टेस्टी बना था, सिंपल गरम मसाला दे के तो हमने खाया। आज का लंच वही था, प्रॉन और चावल। एंड कैसा लग रहा है प्रॉन? अपने ही हाथ का बनाया हुआ खाना आज खुद ही बनाए, आज स्पेशल प्रॉन मसाला खुद ही बनाया है आज, खुद ही बताइए कैसा लगा? अपने हाथ का तो ठीक है, अच्छा ही लग रहा है, तुम खा के बताओ। चलिए खा के देखते हैं आज प्रॉन का करी कैसा बना है। मम्मा, मम्मा। अच्छा देखो जी, वेरी गुड। बस टेस्ट तो अच्छा है, बट हल्का नमक कम, उनको तो बहुत अच्छा है। हमें सब खराब दिखता, स्पेशल। हाय गाइस, तो आज बहुत दिन बाद फिर से मैंने सोचा कि कुछ मन की बात की जाए, तो आज मैं फिर आपके साथ एक अलग टॉपिक के साथ आ चुकी हूँ मन की बात करने। तो आज का टॉपिक है कैसे लाइफ में पॉजिटिव रहें, हर दिन आप कैसे पॉजिटिव हो सकते हैं। मतलब हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आपको नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, आप सोचते हैं कि कुछ मतलब अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, सब कुछ नेगेटिव हो रहा है। तो उस समय आपने आप कैसे पॉजिटिव रख सकते हैं, अपने आपको, अपने थॉट्स को, अपने माइंड को कैसे पॉजिटिव रख सकते हैं। तो जनरली हम लोग बहुत मतलब सोचते हैं कि कुछ हो रहा है तो कुछ मतलब नेगेटिव ही जनरली हम लोग सोचते हैं कि कुछ मतलब देर हो रहा है तो कुछ नेगेटिव थॉट्स आने लगता है कि अरे देर क्यों हो रहा है घर आने में, या कुछ भी है मतलब। तो हम पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं? सबसे पहले कि हम अपने आप को एक्सेप्ट करें कि हम जो है वो वैसे ही हैं, ना कि हम अपने आप को इमेजिन करें कि हम वैसा हैं। मतलब एक्सेप्ट हाउ यू आर, हु यू आर, अपने आप को एक्सेप्ट करें कि आप जो हैं वो बहुत ज़रूरी है सबसे पहले पॉजिटिविटी के लिए। क्योंकि मतलब अपने आप को प्यार करें, खुद को प्यार करें, तभी आप दूसरे को प्यार दे सकते हैं। अपने आप को प्यार करें, लव योर सेल्फ फर्स्ट, तभी आप दूसरे को प्यार दे सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, अपने आप को एक्सेप्ट हु यू आर, तो पॉजिटिविटी खुद पे खुद आएगी। अपने आप को प्यार करें तो ये मतलब फर्स्ट प्रोसेस है, आप पॉजिटिव कैसे हो सकते हैं। लव योर सेल्फ, अपने आप में खुश रहे, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो और दूसरा फिर क्या है कि आप अपने लाइफ में गोल्स बनाएं, छोटे छोटे गोल्स बनाएं। एक गोल हो सकता है आपका एक ईयरली गोल हो, एक गोल हो सकता है आपका मंथली गोल हो, एक गोल हो सकता है आपका वीकली गोल हो, एक डेली गोल हो। ऐसे छोटे छोटे गोल्स बनाएं, और हाँ छोटे से स्टार्ट करें, ना कि बड़ा गोल एक ही बार में सोच ले तो वो अचीव करना मुश्किल हो जाएगा। अनलाइक छोटे गोल्स, स्मॉल गोल्स सेट करें, लाइफ में हैप्पीनेस देगा। कुछ आपने एक गोल सेट किया और उसको पूरा किया तो बहुत खुशी मिलती है, ये मैंने खुद ही करके देखा है, तो बहुत ही पॉजिटिव फील आएगा आपको। स्मॉल गोल्स, इट कैन बी एनीथिंग स्मॉल। आप रोज़ वॉक करेंगे, गोल सेट कर लिया मैंने, वीकली गोल है कि एक वीक पूरा मुझे वॉक करना है हर दिन, तो वो गोल पूरा होगा तो आपको कितनी खुशी मिलेगी, मतलब यू कैन इमेजिन। तो ये दूसरा है कि गोल सेट करें। तीसरा क्या है कि तीसरा और मतलब हमेशा हमेशा गोल
मतलब छोटा ही रखें, ये मैंने कहा आपको कि बड़े बड़े गोल्स ना रखें ताकि उसको कंप्लीट करने में आपको ना हुआ तो फिर आपको बहुत दुख होगा, तो छोटे गोल्स रखें। तीसरा है कि हमेशा हमेशा दूसरों के प्रति बहुत काइंड रहें, मतलब ऐसा ना हो कि मतलब दूसरे की तरफ मतलब विनम्र रहें, मतलब बुरा व्यवहार ना करें आप किसी के साथ। बुरा करिएगा तो आपको बुरा मिलेगा, तो आप किसी के साथ अच्छा करिएगा तो ज़रूरी नहीं कि अच्छा मिले, बट आपका मन खुश रहेगा। तो ये ज़रूरी है कि अगर आपके साथ कोई बुरा कर रहा है तो आप भी उसके साथ बुरा करेंगे तो फिर आपका मेंटल मतलब आपके ऊपर मेंटल टॉर्चर होगा, आप सोचते रहेंगे कि उसके साथ मैंने ये किया। आत्मग्लानि बोलते हैं उसको, होता है कि आपको उस समय बहुत अच्छा लगेगा कि मैंने उसके साथ झगड़ा कर लिया, मैंने उसको बोल दिया, बट वो बाद में आपको अंदर अंदर खाया जाएगा कि ऐसा क्यों किया, कि आपका मन खराब होगा, आपका दिन खराब होगा, आपका मतलब माइंड नेगेटिविटी में भर जाएगा। तो दूसरे से अगर दूसरा कोई आपसे खराब से बात कर रहा है तो आप उससे खराब से ना बात करें, उससे अच्छे से बात करें बल्कि, तो ताकि उसको लगे कि आपके खराब व्यवहार का मेरे ऊपर कोई असर ना हो रहा है। ये भी जरूरी है। तीसरा बात है कि आप अच्छा व्यवहार रखें। और चौथा क्या है कि आप अपने मतलब आप पूरे दिन में जो हो रहा है आपके साथ वो आप रात में उसको लिखें, ताकि आपको पता चले कि पूरा दिन आपके साथ क्या हुआ। और हाँ, हो सके तो सब कुछ लिखे बिना किसी पॉजिटिव नेगेटिव थॉट के। तो ऐसे में क्या होगा कि आप सिर्फ नेगेटिव लिखिएगा तो आपके दिमाग में नेगेटिव होगा, लेकिन आपके साथ जो जो हुआ है हर दिन पूरे दिन में वो आप उसको अच्छे से लिखें, उसको आकलन करें कि आज मेरे साथ क्या क्या हुआ, और गलतियाँ जो हुई हैं आपसे वो रिपीट ना करें। तो ये लिखने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आप जानेंगे कि आपने क्या गलती की है, या और जो खुशी के पल हैं वो भी आप लिखिए, तो उससे आपको अच्छा फील होगा, पॉजिटिव थिंकिंग आई कि आज मुझे एक खुशी मिली। तो ये एक तरीका है पॉजिटिव। फिर है कि हाँ, हमेशा खुश रहे, किसी चीज़ पर डिपेंड ना रहे खुशी के लिए, अपने आप में ही खुश रहे। खुश रहने से पूरा घर का माहौल अच्छा रहता है, आप खुश रहिएगा तो पूरा परिवार खुश है, आप अगर गुस्से में है, चिड़चिड़ाए हुए हैं तो पूरा परिवार फिर उससे अस्त व्यस्त हो जाता है, माहौल ख़राब होता है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, नेगेटिविटी बढ़ जाती है। तो हमेशा अच्छा सोचें, अच्छा सोचें, बुरा ना सोचें, किसी के बारे में भी, खुद के बारे में भी हमेशा अच्छा सोचें। तो ऑप्टिमिस्टिक रहें, कुछ कोई भी चीज़ कुछ कर रहे हैं तो उसके प्रति ऑप्टिमिस्टिक रहें, ताकि सोचे कि हाँ ये मैं कर लूँगी या कर लेंगे, ये हो जाएगा, ना कि ये मुझसे नहीं होगा, मैं कैसे करूँगी, ये मैं कैसे करूँगा, तो मुझसे नहीं हो रहा है, तो फिर ये नहीं है। ऑप्टिमिस्टिक रखिए अपने आप को, तो ऐसे होगा। तो ये एक छोटा सा मेरे तरफ से ये एक बात था मन की बात, कि कैसे अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं आप हर दिन। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए। चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। बाय, लॉट्स ऑफ लव।